नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ओवैसी हैदराबाद में नारे क्यों लगा रहे हैं, गजा में जाके बम चलाए? हैदराबाद में कूदने से क्या होगा? ओवैसी अगर सच्चा है अपने नारे को लेकर, अपनी बात को लेकर, तो बन जा मुजाहिद, जा भाई, कूद जा तू भी जल्दी लंका में। ये तो तुम यहां लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, यहां ये चलने वाला नहीं है। अपने पांच बंदे इकट्ठे करके उधर तू फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन तो खत्म, उसकी एक्सपायरी डेट उसी दिन पक्की हो गई थी जिस दिन इसराइल पे हमला हुआ था। फिलिस्तीन की नहीं लेकिन उसके आतंकवादियों की तो निश्चित हो गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं यहां बैठे सभी लोगों से, जो इसराइल में हुआ क्या भारत में नहीं हुआ? भारत ने नहीं देखा वैसा हमला? कसाब आया था, क्या था वो दिन? मुंबई में कोई होटल में बैठा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, कोई स्टेशन पे है, वो सबको मार रहे हैं, आंख मूंद के मार रहे। एग्जैक्टली वही हमला था जो हमास ने इसराइल में किया, वही भारत में हुआ। और एक बार नहीं हुआ, ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ, लाजपत नगर में हुआ, सरोजनी नगर में हुआ, घंटाघर में हुआ, मुंबई में हुआ, पुणे जर्मनी बेकरी में हुआ, हैदराबाद की गलियों में हुआ, बेंगलोर की गलियों में हुआ, संकट मोचन हनुमान मंदिर, सब जगह हुआ। और हमारे देश में तो क्या हो गया था, वो बस में लिखा होता था अपनी सीट के नीचे, देखिए कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। तो तेरे प्रधानमंत्री की सीट के नीचे क्यों नहीं हो सकती थी? हमारे बच्चों की सीट के नीचे ही होती थी बस लवारिस वस्तु बम, आज क्यों नहीं हो रहा? वही सेना, वही पुलिस, वही एजेंसी, वही रॉ, वही गुप्तचर, वही सारा सिस्टम है, खाली एक नेतृत्व तो बदल गया। आज करके दिखा दे कोई दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में। ये राष्ट्रवाद है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गलतफहमी में मत रहना कि जो इसराइल में हुआ वो पहली बार हुआ या आखिरी बार हुआ। जिस दिन अयोध्या में, मथुरा में, काशी में मंदिर गिराए गए होंगे ना, उस दिन अयोध्या मथुरा काशी की गलियों ने वही आतंक देखा होगा जो इसराइल ने देखा था। आज से 100 साल पहले मोपला में, केरला में तुर्की के खलीफा के नाम पे 10,000 लोगों को मार दिया गया, उस दिन केरला की गलियों ने वही आतंक देखा जो इसराइल ने देखा था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की गलियों ने वही आतंक देखा जो इसराइल ने देखा था। और 89 में कश्मीरी पंडितों ने वही आतंक देखा जो इसराइल ने देखा है। कोई यहां पे बैठ के अगर हमास के या फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है ना, वो हमास या फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो रहा, वो तुम्हें मारने और काटने वालों के साथ खड़ा हो रहा है। और ये बता रहा है कि जिस दिन तुम्हें मारा जाएगा उस दिन वो कहां खड़े होंगे। कोई गलतफहमी ना हो इस बात की, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस ये जेएनयू के अंदर इन्होंने नारे लगाए हमास के समर्थन में, एएमयू में मार्च निकाला गया। मैं पूछता हूं जिस दिन संसद पे हमला हुआ एएमयू ने मार्च निकाला था क्या? जिस दिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए एएमयू में मार्च निकला था क्या? जेएनयू में मार्च निकला था क्या? कांग्रेस पार्टी ने कुर्ते फाड़े थे क्या? यानी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए तो इन्होंने कोई मार्च नहीं निकाला, किसी ने जेएनयू में, किसी ने एएमयू में, कोई वामपंथी कोई कम्युनिस्ट नहीं निकला। लेकिन वो गजा में, वो फिलिस्तीन में आता इजराइल बदला ले रहा है तो तुम्हारे कुर्ते फट रहे हैं? किसके सगे हो, किसके सगे हो, किसके साथ खड़े हो? लेकिन ऐसा नहीं है कि देश इस चीज को देख नहीं रहा, देश इस चीज को देख भी रहा है और देश इस चीज को समझ भी रहा है। इजराइल और हमास की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है, और वो दो देशों की लड़ाई नहीं है, वो सभ्यता की लड़ाई है, वो मानवता की और राक्षसों के बीच की लड़ाई है। और भारत पहले भी मानवता के साथ खड़ा था और आगे भी मानवता के साथ खड़ा होगा। लेकिन कपिल जी,